नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज कुछ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये कि अपराध तो समाज में एक कहते ना कि दीमक की तरह से हो गया है। हर जगह धैर्य टूट कर और केवल अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े कुछ भी आए पर सच्चाई ये है कि हमारे देश में अपराध की स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और अगर कुछ अपराध की बात करें तो कुछ सुनियोजित भी है। जैसा कि आजकल हमारे देश के नेताओं द्वारा कहा भी जा रहा है कि अपराध सुनियोजित है और उन अपराध के माध्यम से केवल और केवल एक अलग तरह की पहल करने की शुरुआत की जा रही है। समय समय पर तमाम तरह के अपराध हमारे देश में होते रहते हैं पर उन अपराध के माध्यम से जो सामाजिक सौहार्द है वो भी खराब होता है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि अपराध होने के बाद जिस तरह से हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में थोड़ा सा जो पैच फंसता है, जो थोड़ी ढिलाई हो जाती है, उसके चलते जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ता चला जाता है। मेरा मुद्दा या मेरा यहाँ पर न्याय व्यवस्था पर आक्षेप लगाना नहीं है, पर मेरा कहना है अगर कुछ बेहतर हो सकता है कानून के दायरे से, संशोधन के दायरे से या सुनवाई के दायरे से, तो उस पर अमल में लाना चाहिए। क्योंकि अगर देश की आबादी की बात करें तो लगातार बढ़ रही है और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर भी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अभी जो कुछ मामले चर्चा में है वो है आपका दिल्ली का, जिस तरह से वहाँ पर आफ्ताब श्रद्धा का मामला रहा और जिस तरह से नृशंस हत्याकांड, बर्बरतापूर्वक हत्याकांड, लिविन में रहे, दोस्ती रही, प्रेम रहा, उसके बाद 35 टुकड़े कर दिए गए। अगर प्रेम था तो ये बर्बरता क्यों? और अगर प्रेम था तो मतांतरण की जरूरत क्यों? और अगर प्रेम था तो इस तरह का हादसा और हत्या क्यों? इतनी बर्बरता कि मानव रूह भी कांप जाए, मानवता शर्मसार हो जाए। उसके बाद दो दिन इस घटना को नहीं गुजरे थे, एक घटना राजधानी लखनऊ में हो गई, पहले देश की राजधानी में, दूसरी राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर एक युवक द्वारा एक लड़की को लगातार धर्मांतरण और मतांतरण के लिए कहा जा रहा था। धर्मांतरण का मतांतरण बात एक ही है, कहा जा रहा था। उसके चलते जब वो तैयार नहीं हुई तो प्रयास किए गए उसको डराने धमकाने का। और जब लड़की के माँ बाप लड़की को लेके उस युवक के घर गए तो उस युवक के द्वारा वो लड़की को 4 मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया गया। परिणाम क्या रहा? लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। सूफिया नाम का युवक और लड़की का नाम निधि गुप्ता। उसके बाद सूफियान फरार हो गया और सूफियान को आज लखनऊ पुलिस ने 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, 9 टीमें ढूंढ रही थी, गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, प्रयास सफल रहा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया मुठभेड़ में। पर अहम मुद्दा यहाँ पर यह है कि लोगों की स्थिति इतनी क्यों होती चली जा रही है? क्या उनको कानून का डर नहीं है, या कानून में जिस तरह से तमाम लचीलापन उसका कारण है, या एक एक मुहिम चलाई जा रही है जैसा कि हमारे देश के तमाम नेताओं ने कहा, जैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक साजिश के तहत यहाँ पर लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपसी सद्भाव की बात करने वाले लोग चुप हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि तमाम बड़े बड़े बयानों को कहने वाले हमारे बड़े बड़े राजनेता, जो उत्तर प्रदेश में अगर छोटी सी बात भी होती है तो उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, चाहे वो हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी रहे हो और चाहे तमाम बड़े नेताओं के नाम हम जानते हैं, और चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली। पर हम देखें जब ये घटना हुई, इस घटना पर किसी ने भी परिवार के साथ दर्द को बांटने का प्रयास नहीं किया। कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। ट्वीट नहीं आए, केवल गिनी चुनी पार्टी ऐसे नहीं जिन्होंने कहा, कांग्रेस ने जरूर बयानबाजी बयान दिए हैं और भाजपा ने बयान दिए हैं, पर अन्य किसी पार्टी की अभी तक संवेदना हमको वहां देखने नहीं मिली। कारण क्या है? क्या कारण ये है कि यहाँ पर वर्ग विशेष की बात थी,
या कारण ये है कि इस तरह के मामले में लोग बोलना नहीं चाहते, या कारण ये है कि केवल और केवल भारत में डर लगने की बात कहने वाले लोग भी आज शांत है, क्योंकि यहाँ पर हत्या बड़ी निशंस हुई है, बर्बरतापूर्ण हुई है। ये बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, ये एक षड्यंत्र है भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, जघन्य अपराध है, इसे जो भी संज्ञा दें, ये भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद होगा, न इस पर लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इस पर बोलेंगे, न राहुल गांधी बोलेंगे, अन्य जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले ओवैसी बोलेंगे। चर्चा में अहम बिंदु यहाँ पर यह भी है कि राजधानी लखनऊ के सरोजनीगढ़ से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने भी एक पत्र के माध्यम से अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो UPPCR एक्ट है, अधिनियम है, उसमें बदलाव किया जाए, संशोधन किया जाए, और पाक्सो एक्ट के तहत भी की तरह ही यहाँ पर 60 दिनों में विवेचना पूरी की जाए और मौत की सजा देने का प्रावधान लाया जाए। रेप हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तमाम यहाँ पर बात को उन्होंने कही है। पर महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि क्या है, धैर्य खत्म हो रहा है कि मुहिम चल रही है, जैसा कि नेता बोलते हैं कि यहाँ पर एक अलग तरह की विचारधारा समाज को निगलने का प्रयास कर रही है। पर इन विचारधाराओं के बीच में हमारे बुद्धिजीवियों का शांत रहना ये भी बड़ा प्रश्न है। बड़े बड़े छोटे छोटे मुद्दे पर भी बयानबाजी करने वाले, लखीमपुर जैसे कांड में पहले पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हमारे राजनीतिक दल सामने बैठे हुए हैं, शायद चुनाव में बिजी हैं या उनका दर्द जो है वो समझना नहीं चाहते। क्या महत्वपूर्ण चर्चा में साहब मेहमान में जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। नेता भाजपा से सपा भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में इमरान भाई अपना पक्ष रखेंगे, दिलीप यशवर्धन भाई विधि विशेषज्ञ के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, नागरिकता पार्टी से ताहिर सिद्दीकी भाई अपना पक्ष रखेंगे और सनातन महासभा से विकास भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा सफर भाई से। सफर भाई, क्या है भाई, आपके नेता तो बयान दे रहा है कि मुहिम चल रही है, जल्लाद हो चुके हैं और एक षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है, भाईचारा समुदाय के लोग शांत बैठे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, कानून में संशोधन तो जरूरी है भाई, डर खत्म हो गया लगता है अपराधियों के मन से। जी गौरव जी, जो मजहब इस्लाम है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ जी, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है जी कि इस्लाम में जो मुस्लिम लड़के हैं जी, PFI जैसे संगठन, अच्छा, ये लोग उनको मतलब उनको ये प्रेरित करते थे कि वो हिंदू लड़कियों से शादी करें और उनका रहने का मकान और खर्च ये सब उठाते थे, अच्छा, और उसके बाद उन लड़कियों का धर्मांतरण कराते थे। अच्छा जी, आपको आंकड़ा है आपके पास? नहीं, आंकड़ा है इसी वजह, आपने देखा PFI पे कार्रवाई हुई और उनके, अच्छा, नेता और उनके जो भी कार्यकर्ता थे सब जेल के अंदर बंद हैं, एक साथ इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि 100 से ऊपर लोग एक साथ पकड़े गए थे। तो ये चीजें हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी कानून में, जो भारत का जो कानून बना उस कानून में कुछ ना कुछ कमियां ऐसी रहती हैं कि आदमी को डर और भय नहीं रहता है, वो सोचता है मैं जेल जाऊंगा और जमानत करा लूंगा, बाहर आ जाऊंगा। तो जो इस तरह पे है, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म परिवर्तन पर कानून बनना चाहिए, ये बिल्कुल बनना चाहिए। कि और हमारे एक मंत्री हैं असीम अरुण जी, उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है, गृह मंत्रालय को लिखा है कि इस पर जो लोग अंदर जाएं और उनकी जमानत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मुस्लिम जो मुस्लिम मुल्क हैं, अगर वहाँ पर आप कोई जुर्म करते हैं, चोरी करते हैं तो आपका हाथ कट दिया जाएगा, कुछ ऐसा जुर्म करते हैं कि वहाँ सीधे सीधे गर्दन
आपकी काट दी जाती है। चाइना में भी अगर आप जुर्म करेंगे तो जेल में डाल दिया जाता है, आपकी जमानत नहीं होगी। लेकिन भारत का ही सिर्फ एक ऐसा कानून है जो लचर व्यवस्था पे चलता है कि अगर आदमी जेल गया तो उसको डर इसी वजह से नहीं होता कि मैं अभी जमानत करा के बाहर आ जाऊंगा। आप बैठे हो सरकार में? नहीं, सरकार में बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चीज होती है एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम सत्ता में आए हैं। और अगर सत्ता से बाहर रहेंगे तो जो भी मुद्दे राष्ट्रहित के हैं उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। और जो हम सत्ता में हैं उस चीज के ओर हमारा ध्यान जा रहा है, और हमारे जो मंत्री हैं उस चीज को, उस कानून को, व्यवस्था को बदलने के लिए बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे सारी चीजें सही होंगी, क्योंकि ये 70 साल का लचर कानून व्यवस्था है जो समय रहते इसको दूर किया जाएगा। पर समर भाई, यहाँ पर आपने कहा कि हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, पर ऐसा कैसी व्यवस्था है कि निर्भया केस 2012 में रहा, 2020 में फैसला आया, अपराधी राष्ट्रपति से याचिका मांगने चले गए थे माफी के लिए। अरे ऐसे अपराध के लिए कहीं किस चीज़ की माफी भाई? आपने किसी महिला के साथ इतना जघन्य अपराध किया है, उसकी मृत्यु हो गई है, यानी अपराध को अगर बयां करूं तो बयां करने में ही दर्द लग जाता है, उसके लिए 8 साल लग गए भाई। सिस्टम तो यहाँ बदलना पड़ेगा ना भाई। देखिए गौरव जी, ये जो बात आप कह रहे हैं मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि देखिए हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको बदलने के लिए एक पैनल बैठता है, क्योंकि अगर अभी कानून में धाराएं बदलना हम शुरू कर देंगे तो भी विपक्ष के लोग हट जाएंगे कि देखिए ये तो कानून पूरा संविधान ही बदले दे रहे हैं, जैसा कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम संविधान बदल रहे हैं। लेकिन संविधान हम नहीं बदल, हम अपने भारत के कानून को बदल रहे हैं, कानून को मजबूत करने के लिए बदल रहे हैं। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री से फोन जाता, मुख्यमंत्री आवास से फोन जाता था कि फलां अपराधी को छोड़ दिया जाए, हमारा वोट बैंक है। हमारी सरकार में जब से 2017 से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, मुख्यमंत्री आवास से फोन तो क्या, जो अपराधी थे और जो जरा भी अपराध में लिप्त थे वो या तो जेल के अंदर हैं और या जमीन के अंदर हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रथम है कि कानून व्यवस्था जो है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। जो अपराधी हैं, नाजायज कमाई से बने हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सारी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। और जो इस अपराध में जो इस तरह के हैं उनके लिए कानून बदलने की आवश्यकता है। जो जेल में इस तरह का अपराध करते हैं वो जेल में जाए, उनकी जमानत बिल्कुल ना हो और उनको सीधे सीधे सजा सुनाई जाए। अच्छा चलो चलो, देखते हैं कि श्रद्धा केस में और निधि गुप्ता केस में क्या होता है, अपराधी पकड़ गया मुठभेड़ में। ठीक है ठीक है, बहुत जरूरी। विवेक भाई जी, भाई विपक्ष की पार्टी है पर अभी तक हमने देखा कि दर्द अभी तक विपक्ष से कोई आया नहीं है। चुनाव में विजय है शायद, बड़े बड़े मुद्दों पर ट्वीट आ जाता है, सलाह आ जाती है, पर लड़की हिंदू की या मुस्लिम की हो दर्द तो होना चाहिए भाई, थोड़ी संवेदना झलका सकते हैं। क्या कारण रहा है, क्या जानकारी नहीं मिल पाई, या चुनाव जरूरी है, या केवल संवेदना अलग अलग मुद्दों पर आती है, कैसे देखते आप? मैं पूरे मंच को पहले तो बहुत ही हृदयपूर्ण प्रणाम करते हुए पूरे अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना ये होगा गौरव भाई कि भाजपा कहती है कि कानूनों में बदलाव होना चाहिए। आज असीम अरुण जी ने जो कि पूर्व में एक सम्मानित अधिकारी रह चुके हैं, पुलिस विभाग से जुड़े रहे हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पुलिस विभाग में एक दायित्वपूर्ण पद पे रहते हुए कितने सुधार पहले तो पुलिस विभाग में किए, जो कि स्वयं 1861 के अंग्रेजी कानून द्वारा संचालित किया जाता है, और स्वदेशी देश का 2006 का मॉडल पुलिस एक्ट आज तक इंतजार में है कि उसे कब लागू किया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पहला सवाल तो मैं ये उठाऊंगा कि सत्ता में आने के बाद ये जो भूतपूर्व अधिकारी हैं इनके अंदर सुधार करने की बड़ी एक ललक झलकती है। अच्छा। लेकिन जब ये जिम्मेदार पदों पे होते हैं तब अपने दायित्वों की पूर्ति का अगर निर्वहन ये इस प्रकार करते तो आज स्थिति कुछ और होती। दूसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में NCRB के ही आंकड़े हैं जिसके अनुसार 2016 में जब ये सरकार बनती है तो 4,94,025 मामले दर्ज होते हैं महिलाओं से जुड़े अन्य अन्य मामलों में, और 18 में वो सीधे 5,85,157 होते हैं, सीधे 17% वृद्धि के साथ जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सरकार इसको माने या ना माने, NCRB समाजवादी पार्टी की कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है, ठीक है, ये सरकार का दायित्व। दूसरी बात, ये मनोवैज्ञानिक मसला है, मुझे लगता है इसको कानून व्यवस्था के मसले से जोड़ करके देखने की आवश्यकता है, न कि इस पे राजनीतिक दल हिंदू या मुस्लिम, जिस प्रकार से कि सम्मानित भाजपा प्रवक्ता ने बात ही शुरू की इस्लाम
शब्द का इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे लगता है साहित्य सम्मेलन की डिग्री प्राप्त करने वाले जिस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता रखेंगे उतनी ही सोच तक सीमित भी रहेंगे और उसी तरह के ट्वीट भी करते रहेंगे। क्योंकि ये मामला है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, जागरूकता से जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियां हो चाहे हिंदू लड़कियां हो, उनको समाज की परिधि में जिम्मेदार सामाजिक सूत्र से बांधने की आवश्यकता है, उनको विकास की परिधि से जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से विकास कर रहे थे, मुंबई से विकास दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली में हत्या हो गई, मैं वही आ रहा हूँ भाई, सरकार किसकी है? अगर आप ये बात कहेंगे तो बिल्कुल, तब तो ये बात सर्वविदित है कि भाई ये तो फेल है पूरी तरीके से। भाई अगर महिलाओं की सुरक्षा पे ये बैठ के आज बात करने के लिए इस तरीके से जागरूक हुए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब लव जिहाद एक शब्द सामने आता है तो किसी भी केंद्रीय संस्था ने अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया, बल्कि सदन में तो गृह राज्य मंत्री एक बार ये भी कह चुके हैं कि इस तरह का कोई शब्द अस्तित्व में नहीं है, ना कानून की परिधि में आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको पहले आपको समझना होगा कि ये मनोवैज्ञानिक भाव के साथ जिस प्रकार से आज आपने बेरोजगारी बढ़ाई, जिस प्रकार से आपने समाज में अराजकता बढ़ाई, धार्मिक उन्माद किसने बढ़ाई है, किसने बढ़ाई है? भाई भाजपा तो का तो इतिहास है ना, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये तो इसीलिए जाने जाते हैं। भाई हिंदुओं की राजनीति क्या से? विवेक जी 12 से 17 का इतिहास बताएंगे जी। मैं 12 से 17 तक की आपको डेटा देता हूं। 12 से 17 का मुझे आप निठारी कांड भूल गए, आपको एनसीआर भी का आंकड़ा, निठारी कांड भूल गए आप, जब आपके नेता कहते थे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। हाथरस भूल गए आप, नहीं आप बताइए, निठारी भूल गए तो आप बता दीजिए। आप तो सरकार दूसरे कार्यकाल में चला रहे हैं, तो आप ही का नेता था। आपने जिस तरह बलात्कारियों को छोड़ा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरह आपने छोड़ा, आप बताइए उन्नाव पे आ जाते हैं, सेंगर प्रकरण में आपने क्या किया, पूरे परिवार को समाप्त करने तक सेंगर की आपने सुरक्षा करने का प्रयास किया, क्या बात करेंगे आप? आपकी सरहद में संघ करेंगे, और आपने लखीमपुर में आपकी बोलती है, आप निठारी कांड चाहिए ना? अरे दोस्त, दूसरा कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल, कब तक इतिहास के अस्तित्व में अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे? जब आपसे वर्तमान की बात हो 70 साल पीछे चले जाते हैं, जब आपसे वर्तमान की बात हो ये वो लोग हैं, अटल की बात नहीं करेंगे, नेहरू को याद करेंगे, अटल की बात नहीं करेंगे, नेहरू की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात होंगे। लोग ऐसे सोच के लोग जेल के अंदर होंगे, ठीक है, हो गया। आपके मुख्यमंत्री
मंत्री आवास से अपराधियों को छोड़ने के लिए फोन किया जाता था। आपकी सरकार अपराधियों की सरकार है। ठीक है ठीक है, गौमूत्र, अरे आप गौमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सर नहीं आती आपको, सर नहीं आती, सर नहीं आती आपको, गौमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी में मान भी है, बाकी में मान भी, बाकी में मान भी, बाकी में मान भी, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक आयुर्वेद के हिसाब से, भारत का आयुर्वेद बताता है कि गौमूत्र जो है सबसे बड़ा एंटीबायोटिक। कितनी बार सेवन किया? अरे आप कितनी बार सेवन किया? आप बताइए कितनी बार सेवन किया? आपके मजहब की बात है, आप अपने मजहब धर्म के विरोधी हैं, आप 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 सनातन धर्म के विरोधी हैं, आप आयुर्वेद के विरोधी हैं, आप सनातन धर्म के विरोधी हैं, आप आयुर्वेद के विरोधी हैं, आप बताइए, आप बताइए, ये चढ़ने वाला खेल नहीं है, ये चढ़ने वाला खेल नहीं है, आपको सुन रही है, आप क्राइम हो गया, हो गया, हो गया, आप भाई 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 डेढ़ सौ हो गया, हो गया, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान हो गए, ठीक है, हो गया, शांत रहिए, ठीक है, हो गया। इमरान भाई निठारी पर जवाब नहीं दे, इमरान भाई दंगों पर जवाब, सफर भाई, सफर भाई, ऐसा नहीं होगा, विवेक भाई, सफर भाई, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। इमरान भाई, घटना दिल्ली की है, मैरुली जंगल में हुई, टुकड़े फेंके गए और सब लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी प्रायोजित कर रही है, बीजेपी कहाँ प्रायोजित कर रही है? विवेक भाई बोले हैं, क्या बीजेपी ने बोला था कि उसके 35 टुकड़े कर दो? मैंने ये कहा, क्या क्या व्यवस्था संभालने में ये सरकार फेल है। अच्छा, मैंने आपको आंकड़े दिए जी, 16 के भी दिए, 17 के भी दिए, 18 19 के भी लेके बैठा हूँ। अच्छा, आपको एनसीआरटी के धर्मांतरण में 560 मुकदमे हैं, धर्मांतरण 560 मुकदमे, 560 में सजा कितनी हो गई ये बताइए आप, नामजद भी सजा बताइए, 700 से लोग नामजद तो छूट जाते हैं, सजा बताइए कितने में हुई? तो ये तो प्रक्रिया देखिए ना, तो कानून लचर है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपसे, जब पुलिस काम करे तो राजनीतिक दबाव देते हैं, ये पुलिस के कानूनों में 1861 की व्यवस्था लागू है। अच्छा, जो अंग्रेजी पुलिस कानून था, 2006 का मॉडल पुलिस एक्ट उत्तर प्रदेश में क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए भाई, हम तो लगातार मांग उठा रहे हैं, पहले कार्यकाल से मांग उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, निर्माण भाई कैसे देखते भाई इस घटना को आप? बीजेपी बोल रही है कि एक साजिश चल रही है, मुहिम चल रही है जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को मारने की। देखिए, दो मामले आपने इंगित किए, एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी का है जी, जहाँ की पुलिस भी भाजपा की सरकार के अधीन आती है, और एक मामला देश की राजधानी दिल्ली का है जहाँ की पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो दोनों ही मामलों में अगर कानून व्यवस्था की तर्ज पे बात करेंगे तो कहीं नहीं, मैं अपना पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मामला बिजली का होता, स्कूल का होता, अस्पताल का होता, बसों की यात्रा का होता, तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके हम आपके आगे खड़े सामने खड़े रहते, हमने कभी भागने की बात नहीं की। मामले क्या, दोनों ही मामलों में जी आप देखना चाहिए कि नियत कहां पर है। अच्छा, कि किस तरह की नियत है। गिरिराज सिंह का बयान अभी आप दिखा रहे थे, मैं तो कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कोई ऐसा कानून आ जाए कि कुछ शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए राजनीति में, अच्छा, जैसे मुसलमान, अच्छा, जैसे पाकिस्तान, जैसे मंदिर मस्जिद, अच्छा, जैसे शमशान कब्रिस्तान, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी होगी, अच्छा, जो राजनीति से अपना झोला बस्ता उठाएगी और वापस चली जाएगी। अच्छा, कि भैया हमसे राजनीति नहीं होगी, हम नई राजनीति नहीं सिखाएंगे। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की राजनीति करना, उन्माद की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र है इस मामले में। देखिए, अपराध का मामला है, इसको अपराध की तरह से लेना चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जो कदम उठाए केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। शफायत भाई, पूरी बात हो जाए, पूरी बात सुन रहे हैं, पूरी बात केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे कि पुलिस मेरे 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 उसमें काम नहीं करती, पुलिस मेरा नहीं सुनती जी। तर्क वाली बात कर रहे हैं, इस्तीफा तो अमित शाह साहब को देना चाहिए भैया, गृह मंत्री केजरीवाल को देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, पुलिस काम नहीं कर पा रही तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अरे बारी-बारी बोले भाई, बारी-बारी से। अच्छा, बड़ी मजेदार बात इन्होंने की, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे, इनको इतनी समझ नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, इस्तीफा किसी को देना चाहिए? दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से सत्ता से बेदखल करने के इस्तीफे की तैयारी केजरीवाल से क्यों बौखलाहट आपने कहा पुलिस आपके अधीन नहीं है, सेंट्रल टेरिटरी है, पर मेरा मानना यह है
कि कम से कम अगर वहां पर इतना जघन हत्याकांड हुआ है तो एक ट्वीट ही आ जाता दर्द का, संवेदना का, सहानुभूति का। क्या वो लड़की नहीं थी? क्या उसके माँ बाप नहीं है? क्या दर्द नहीं हुआ है? पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया गया है, 35 टुकड़े कर दिए गए प्रेम में, ऐसा प्रेम, ऐसी बर्बरता। अरे कम से कम एक ट्वीट कर देते, दर्द बताते कि हाँ हम उस लड़की के माँ बाप के साथ है। यह भी नहीं हो पाया। क्या राजनीति होती है केवल? देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया गया, इसकी निंदा की गई है और हर तरीके से जो पीड़ित परिवार है उसके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली स्टेट का डेलीगेशन बाकायदा परिवार के साथ मुलाकात कर चुका है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी और इमरान लतीफ होने के नाते भी मैं दोनों बातों को पूरी जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूं कि इस घटना में जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है और जितनी जल्दी हो सकती है एक ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो नजीर बने, जो आगे के लिए उदाहरण बने, ताकि कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले हजार बार सोचे। लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ की जो घटना है, दिल्ली की जो घटना है, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किनकी है? जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सरकार में हैं, वो अपराध रोक नहीं पा रहे और अपराध हो जा रहा है तो जिम्मेदारी लेने के बजाय, कोई कार्रवाई करने के बजाय उस पर गंदी ओझी राजनीति कर रहे हैं, वहां नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे आप अपराधों को रोकेंगे? जब तक अपराध के मूल कारणों पर आप प्रहार नहीं करेंगे, जब तक आप सही ढंग से जो कानून है उसे तो लागू नहीं कर पा रहे। थाने के अंदर बलात्कार हो जा रहा है, सिपाही सिपाही का बलात्कार, रेप कर रहा है, थानेदार जो सिपाही का बलात्कार कर रहा है, महिलाएं थाने के अंदर नहीं सुरक्षित है, महिला पुलिस तक थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए जो खुद नहीं सुरक्षित है वो कैसे सुरक्षा दे पाएगा? तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेताओं का, अपराधियों का और पुलिस का गठजोड़ चल रहा है, जिसकी वजह से ये अपराध को नहीं रोक पा रहे। और अपराध में कहीं अगर इनको हिंदू मुस्लिम एंगल मिलता है तो बस करिए, बिल्ली के भाग से शिकार टूटता है और भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति करना शुरू कर देते हैं। वही बांटने की राजनीति जिससे महंगाई का मामला छुप जाए, बेरोजगारी का मामला छुप जाए। जो आज किसानों की हालत है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, आज धान के जो धान क्रय केंद्र है उसमें भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे। उन सवालों को दबाने के लिए ये इस तरह की राजनीति करेंगे कि अपराध में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी हुई है वहां पर ये अपनी नफरत की राजनीति का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे विकास जी, घटना बड़ी है और ऐसी घटनाओं के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में कोई जगह नहीं। पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं पूरी घटना? जी हाँ गौरव जी, घटना तो बड़ी निंदनीय है, बड़ी भयावह घटना हुई है जी। और खासकर जो अभी हमारे सपा के नेता भी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि इसको हिंदू मुस्लिम से ना देखा जाए, भाजपा और सब लोग देखना चाह रहे हैं, तो इन दोनों से मैं विशेषता कहना भी चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन साहब अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक सनातनी बता दीजिए, सिर्फ एक सनातनी जिसने अपना नाम बदल करके किसी गैर धर्म की महिला के साथ विवाह किया हो और उसके साथ इस तरीका का व्यवहार किया गया हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक ही क्यों पाए जाते हैं, इसलिए बात उठती है। दूसरी रही बात जो बयानबाजी हो रही है, जो कहा जा रहा है कि हमने अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने एक बयान दिया, बड़ी निंदा की, या सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने भी निंदा की है, मैं जानना चाहता हूं अगर ये सनातनी नहीं होती, अगर ये किसी गैर धर्म की होती तो अब तक ये लोग सड़कों पे दिखाई देते, हर बार दिखाई देते हैं। अच्छा। लेकिन सनातन का वक्त चूंकि काम है, सनातन के ऊपर अत्याचार हुआ है और करने वाला इस्लाम का है, इसलिए ये लोग सिर्फ निंदा कर रहे हैं। कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, कानून में ऐसे लोगों के लिए सख्त सख्त सजा होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। सालों लग जाते हैं, 4-5 साल, 6 साल, 8 साल हो जाता है और अंत में जाकर तो उसको सजा मिलती है या नहीं मिलती, हो तो तब देखा जाता है क्या निर्णय आता है। इस तरीके के जघन अपराध के लिए तुरंत के तुरंत कानून ऐसा क्यों नहीं कि उसको सजा दी जाए? जी ठीक है। धर्मांतरण, मतांतरण, इन सब पे रोक क्यों नहीं हो पा रही है? उन जड़ों पे आप क्यों नहीं आघात कर पा रहे हैं? ठीक। हमारे मुस्लिम भाई, मैं पूरी कौम को गलत नहीं कहता, मैं तमाम मुस्लिम भाई हैं जो भारत को अपना देश समझते हैं, उसकी सोच के हिसाब से चलते हैं, इन कारणों से, इन लोगों के वजह से उनकी बदनामी होती है जी।
मेरे भाई हैं, मैं भाई के लिए लड़ रहा हूं। भारत देश भाई के लिए लड़ने वाला देश है, भाई भाई से लड़ने वाला देश नहीं है। और वो मुस्लिम जो भारत के लिए सोचते हैं, जो हमारे देश के लिए सोचते हैं, जो अच्छे से रहना जानते हैं, मैं उनके लिए लड़ना चाहता हूं। ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वो बदनाम हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा मेरे मुस्लिम भाई नागरिक एकता पार्टी के जो तारिक साहब हैं, इमरान भाई हैं, उनको भी खुल के इसमें समर्थन करना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर आप नहीं बोलते हैं तो शक होता है, आपको बोलना चाहिए। ये मतांतरण, ये इस तरीके का धर्मांतरण, इस तरीके की हत्या, इस तरीके के कार्य क्यों हो रहे हैं, और उसमें कोई ना कोई इस्लामिक ही क्यों निकलता है? ठीक ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए। आप इस तरीके से बचना चाहते हैं जी। मैं पूछता हूँ कहाँ गए वो लोग जो जरा जरा बातों में अपना अवार्ड दे दिया करते थे, वापस ले लीजिए सरकार से कहते थे। कहाँ गए आमिर खान, जिनको देश में बड़ा डर लगता था रहने में? कहाँ गए वो एक रायबरेली के शहर साहब जो थे, उनको बड़ा डर लगता था भारत में? आज सुकून मिल रहा है? आज डर नहीं लग रहा? आज इसके लिए कोई वक्तव्य नहीं आ रहा? आज उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि ये सनातनी के साथ हुआ है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं हो रही। ठीक है, इसके लिए निश्चित कानून होना चाहिए। मैं भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे उनसे कहूंगा, सरकार आपकी यहाँ यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, आप कानून में अमेंडमेंट करिए और इस तरीके का सख्त कानून आना चाहिए। ऐसे घृणित कार्यों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। ताहिर भाई, भाई बड़ी घटना है। गौरव भाई बहुत टाइम ले लिया आपने। बोले 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 बड़ा बड़ा गंभीर से टाइम तो लगेगा। बोलिए। देखिए, आपने जो अभी मुद्दा उठाया है, ये इतना गंभीर मुद्दा है, जिस तरीके से यहाँ छिल्लम छिल्ली हो रही जी। इस गंभीर मुद्दे पे पहले बात तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी गिरिराज सिंह का आपने जो बयान सुनाया, डायरेक्ट एक केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं और इतने बड़े पद पर रहने के साथ उन्होंने सीधे एक इस्लाम का नाम ले लिया। यही से ही जो है कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो धार्मिक बन जाता है। नाम ना ले। पहली बात तो ये है कि कोई क्राइम करता है, अच्छा, क्रिमिनल जो होता है वो धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, वो कोई ना कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला आदमी तो होता ही है। लेकिन अगर वो कोई क्राइम करता है तो वो मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता। सुरेंद्र कोहली के मैटर में ले लीजिए, अभी आप दिल्ली का ही ये मामला आप दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली ही में आप रोहित ने जो है सलमा को 9 गोलियां मारी, अच्छा, उस पर कहीं डिबेट हुई, अच्छा। लेकिन कभी भी ये मामला हिंदू मुसलमान में नहीं होना चाहिए। और जो आफताब को लेकर के आप लोग बात कर रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं। और अभी जो लखनऊ का आप कांड बता रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, लखनऊ का जो कांड हुआ है इस पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है, पुलिस ने आज अभियुक्त को पकड़ा है, जिसको अभियुक्त बनाया गया है, आज पकड़ा है, लेकिन वो अभियुक्त है कि नहीं ये विवेचना का विषय है। लेकिन आज अभी इसी वक्त सारी चार्जशीट दाखिल की जा रही है, फांसी पे भी चढ़ा दिया जाए। सुनिए, पहले पहले सुन ले, कह दीजिए सब लोग, पहले उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि लड़की को हो सकता है कि किसी और ने धक्का दिया हो, क्योंकि लड़का वहां पर मौजूद ही नहीं था। अच्छा, लेकिन लड़के की माँ ने धक्का दिया होगा, संस्था के लोगों लड़के की माँ ने धक्का दिया होगा। सुन लीजिए, सुन रहा हूँ, लड़के की माँ ने धक्का दिया होगा। अरे आप किसी पर तो तैयार होइए, लड़के के बाप ने धक्का दिया होगा, लड़के के भाई ने धक्का दिया होगा, आखिर मुसलमान ही क्यों? पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए, मुसलमान ही क्यों? वहाँ पर आतंकवादी हो तो मुसलमान, वहाँ पर हिंदू धर्म परिवर्तन में लड़कियों को लेकर भागने वाले मुसलमान दे दिया। जब किस धर्म के होते हैं बताइए, धार्मिक रंग देंगे जब बताइए, कोई रविशंकर लेके भागते हैं किसी मुस्लिम लड़की को? 15 अगस्त के दिन छोड़ेंगे बताइए, विवेक पांडे जी भागते हैं क्या किसी मुस्लिम लड़की को लेके? हौसले बुलंद बताएंगे आप, और वो गौरव जी भागते हैं क्या किसी मुस्लिम लड़की को लेके? अब आप ये सोचिए, देश के अंदर जब बलात्कार कर गैंगरेप करने वालों को और साथ साथ लोगों को हत्या करने वालों को 15 अगस्त आजादी के दिन आप रिहा करोगे, अच्छा, तो आप ये बताइए देश के अंदर कैसा माहौल पैदा होगा? आपके अंदर ये कमी है, रिजल्ट है क्या के साथ इतना मुसलमानों ने किया था? आप ये बताइए जो सलमा के साथ किया वो क्यों नहीं? ये धार्मिक चश्मे से मत देखा करिए। जिस दिन आपने इस धार्मिक चश्मे को उतार दिया, तमाम बातें होती है, सिर्फ तन से जुदा वो धार्मिक नहीं होता क्या? धर्म की पिच पर हमेशा खेलती है। अच्छा, अगर कोई भी मुसलमान क्राइम कर देता है तो उसमें बड़ी लंबी लंबी डिबेटें होती है, लेकिन अगर कोई अदर धर्म से ताल्लुक रखने वाला कोई क्राइम करता है तो उस पर कोई डिबेट क्यों नहीं होती? सवाल ये भी है, सवाल आप जो है दोनों तरफ से करिए। और अगर
ये जो आफ्ताब का नाम आ रहा है पार्टी धर्म से ताल्लुक रखता है, और अगर ये सुफियान अभी विवेचना होगी, इसने धक्का दिया है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सजा ही क्यों नहीं दी गई? क्या होता है सजा है? अगर धक्का क्या होता है? फांसी पर लटका देना चाहिए साहब। अगर धक्का क्या होता है आप ये बताइए साहब। अगर धक्का क्या होता है बताएंगे? ये विवेचना कर देगी, अभी ट्रायल कर दोगे, जज बन जाओगे। अरे इतनी जल्दी आप जो जज बन जाते हैं, सारा चीजें तुरंत सब फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं, ये बड़ा जो है लड़की और दूसरी चीज जो गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं इस्लाम का नाम लेते हैं, किसी लड़की की दर्दनाक मौत हुई है ताहिर भाई, होना चाहिए कि इस्लाम मुसलमान पाकिस्तान किसी की और ऐसे शमशान कब्रिस्तान की औलाद किसी की औलाद की हत्या यहाँ पर हुई है, जिसको माँ बाप ने 16 साल तक पाला था और अपना राजनीति का झोला लेकर। ठीक है ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया। हमारे दिलीप भाई बैठे, दिलीप भाई ताहिर भाई आप देवबंदी हो? प्लीज एक मिनट गौरव जी इनसे सवाल कर लें। आप देवबंदी हो कि बरेलवी? ताहिर साहब जवाब देंगे। ये डिबेट का व्यू ही नहीं है। नहीं है व्यू, है बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम परिवार ने चौथी मंदिर से धक्का दिया और आप कह रहे हैं कि धक्का नहीं दिया गया, अभी विवेचना होगी। नहीं अभी जब ऊपर से लड़की गिरी है तो बाप ने धक्का दिया या माँ ने धक्का दिया, और मुस्लिम समाज के लोग अगर घटना करते तो जोड़ा जाए। आपके पास बताइए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मुस्लिम अगर कोई घटना करता है उसको धर्म से ना जोड़ा जाए? सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, आप सवाल जवाब के जवाब दीजिए। ताहिर साहब आप जवाब दीजिए। जवाब क्या दूंगा तुमको? आप जवाब दीजिए। आतंकवादी घटना मुसलमान करता है जी। अरे चारों बेटा प्रज्ञा कौन है? प्रज्ञा जी पर आरोप लगाएंगे? क्या बात कर रहे हो? आरोप लगाएंगे? कसाब कर रहे कसाब बात कर रहे हैं सिद्ध हुआ वो मुसलमानों की बात करते हो? मुसलमान था, मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा देश है। आप मुसलमान हो? इस देश को जो है अपने खून से सींचा है। फर्जी पार्टी बना करके बैठ गए। बंदे पर अगर कोई लटका है तो मुसलमान लटके हैं। बताइए कोई संगीत चड्डी वालों का किसी का अगर नाग हिंदुस्तान में बताइए किसी का जो योगदान हो भारत की आजादी में योगदान हो। हमें सागरकर जैसे लोग माफी मांगते हैं, माफी ना मांगे बात करेंगे। मुसलमान की डिबेट करते हैं वहाँ भी बात आ जाती है। हमें कौन सा आप हिंदू आपको देश सुनना है, जवाब दीजिए। अरे दर्दनाक घटना हुई है। अरे क्यों नहीं कहूंगा? अरे शर्मसार घटना को शर्मसार घटना कहा जा रहा है। आप शर्मसार घटना को शर्मसार घटना की दर्दनाक आपका काम है को हाईलाइट करना, कई मुद्दों पर डिबेट करना, जिससे महंगाई पर बात ना हो पाए, जिससे शिक्षा पर बात ना हो पाए, सवाल भाई प्लीज। दिलीप जी यहाँ पर जिस तरह से राजेश सिंह जो विधायक है सरोजनी नगर लखनऊ से, उन्होंने कहा है कि यूपी पीसीआर एक्ट में संशोधन हो, 60 दिनों में पॉक्सो एक्ट की तरह विवेचना पूरी हो और जमानत न मिले, तो लगता है कि निश्चित रूप से अब कानून में बदलाव जरूरी है। कैसे देखते हैं विधि शासक के रूप में? गौरव भाई सबसे पहले तो उन दोनों बच्चियों को जो इस दुनिया में नहीं है उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं, और मैं सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून के दायरे में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दो मामलों को लेकर के बहस चल रही है, एक आफ्ताब और श्रद्धा का मामला जो दिल्ली में हुआ और एक जो लखनऊ में मामला हुआ। जहां तक मैं समझ पाया हूं जो आफ्ताब और श्रद्धा का मामला है उसमें अभी धर्म परिवर्तन का एंगल कहीं सामने नहीं आया कि धर्म परिवर्तन की वजह से ही हत्या हुई है। लखनऊ का जो मामला है वो धर्म परिवर्तन की वजह से हुई है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये है या नहीं है ये धक्का दे के दिया गया है ये सत्य है, लड़की मरी है ये सत्य है, लेकिन उसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है उसकी विवेचना होगी तब पता चलेगा। अब ये जो अपराध है या जो धर्म परिवर्तन है ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है जी, लेकिन ये वास्तव में सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। क्या बात? और धर्म परिवर्तन इस देश में अपराध नहीं है
धर्म परिवर्तन इस देश में फंडामेंटल राइट है। अगर कोई भी स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करके किसी भी धर्म को मानना चाहता है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, एंटी कन्वर्जन लॉज को सेंट्रल लेवल पर लाने की कोशिश 1954 में भी करी गई थी और 1967 में भी करी गई थी, लेकिन दोनों बार लोकसभा से इस बिल को स्टक डाउन कर दिया गया था। अब आपका जो सवाल था कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने ये मांग की है कि जो यूपीपीसीआर एक्ट है उसमें बदलाव होना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि मांग गलत है। अच्छा। मांग गलत इसलिए है कि जो धर्म परिवर्तन का मामला है उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। जी बिल्कुल, दिल्ली में जो हो रहा है, मुंबई में जो हो रहा है, केरला में जो हो रहा है, जो अन्य प्रदेशों में हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश के कानून के दायरे में नहीं आएगा। धर्म परिवर्तन इस देश का एक सीरियस इशू होता चला जा रहा है और उस सीरियस इशू को निपटने के लिए सिर्फ कानून ही ऐसा हथियार है जिससे हम इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं। वो कानून कड़ा होना चाहिए जी बिल्कुल, लेकिन प्रदेश के लेवल पे नहीं होना चाहिए, वो देश के लेवल पर होना चाहिए। इस देश, इस मामले पर इस देश की केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक धर्म परिवर्तन को लेकर के उत्तर प्रदेश में 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कानून ये लागू है जी। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो प्रदेशों तक सीमित नहीं रहते हैं, ये पूरे देश तक फैले होते हैं, तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर के पूरे देश पर लागू होने वाला कानून बनाना चाहिए जी। और जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन है, क्योंकि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से है तो ये तो ऑलरेडी कानून से प्रोटेक्टेड है, इसको कहीं भी इलीगल नहीं कर सकते। इलीगल सिर्फ उसको कहा जाता है जहां पर किसी की इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको वाकई में इसको लेकर के कड़े अपराध बनने चाहिए, वो धर्म परिवर्तन चाहे इस्लाम में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेकर के कहीं कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। धार्मिक लॉ हो सकते हैं, कानूनी लॉ कहीं नहीं कि आप धर्म परिवर्तन किस कानून के तहत करेंगे। इस्लाम की अपनी प्रक्रिया है, क्रिश्चियनिटी की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन हिंदुत्व में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कि आप किसी धर्म में कैसे परिवर्तन करें। मेरा कहना यह भी था कि जो हमारे लॉ से चलते हैं, जो प्रक्रिया चलती है, निर्भया के 2012 में हुआ, दिसंबर 2012 में, और सजा आते आते 2020 हो गया, 8 साल का लंबा अंतराल। तो यहाँ पर एक व्यवस्था जरूर हम कर सकते हैं कि जो जघन्य अपराध है, इस तरह के अपराध है, सामूहिक रूप से बलात्कार के अपराध है, जहाँ पर लड़की के साथ अमानविता की जाती है, किस तरह अमानविता की जाती है, तो उसको तो गौरव जी इस बात को समझिए, जो श्रद्धा वाला मामला है, मैं फिर कहूंगा श्रद्धा का मामला, उसके पीछे कारण क्या है वो अलग हो गया, लेकिन मर्डर होना ये हमारे सीआरपीसी में कवर हो जाएगा, ये धर्म परिवर्तन के लॉ से कवर नहीं होगा। ठीक है, या जिस लड़की को छत से गिराया गया है उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन जो कार्यवाही होगी वो आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत होगी। रेप का मामला है तो भी सीपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत ही चलेगा। धर्म परिवर्तन का मामला जो मर्डर है, जो आगजनी है, जो जो किडनैपिंग है, जो रेप है, इसको लेकर के तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के कानून को लेकर। धर्म परिवर्तन का एंड रिजल्ट अगर मर्डर हो गया तो फिर उसको लेकर के ऑलरेडी हमारे देश में कानून है, आप उसको कैसे परिवर्तन। अगर आप उस स्पेसिफिक लॉ में लाते हैं कि धर्म परिवर्तन की वजह से हत्या कर दी गई तो हत्या की सजा ये होनी चाहिए, तो हत्या की सजा तो ऑलरेडी आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी में दी हुई है, तो आप उसको उस स्पेशल एक्ट के तहत नया लॉ नहीं बना सकते। धर्म परिवर्तन को लेकर के इस पर ये एक बड़ा विषय है, मंथन का विषय है, और इस पर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कानून इस देश में जितने भी बनते हैं वो ब्रांच ऑफ लॉ होती है, लॉ नहीं होता है, वो ब्रांच ऑफ लॉ होती है, नई ब्रांच ऑफ लॉ हम खोलते हैं, तो जो नई ब्रांच ऑफ लॉ होगी वो जो लॉ है उसके कॉन्सोनेंस में ही हो सकती है, उसके अलग जाकर के नहीं हो सकती, या उसके कॉन्ट्रावेंशन में नहीं हो सकती। ठीक 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 है, विकास भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? नागरिक एकता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये धर्म का मामला नहीं है और एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसका है। मैं उनसे कहना चाहूंगा तारिक भाई जो भी अपराध इस तरीके के हो रहे हैं, लखनऊ का ले लें तो मतांतरण को लेकर के हुआ, दिल्ली वाला अभी जैसा कि दिलीप भाई बता रहे थे कि अभी उसमें कुछ क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। ये मतांतरण का खेल ये केवल सनातन के लिए नहीं हो रहा जी, इसको समझने का प्रयास करिए जी। भारत एक गणतंत्र देश है और गणतंत्र देश में सभी को अपने अपने धर्म को पालन करने की आजादी है जी। ये मतांतरण का खेल गणतंत्र को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। आप हमारे भाई हैं,
हमारे कुछ मुस्लिम भाई जो बहुत अच्छे हैं, जो मैंने पहले भी बोला, इस तरीके के लोग जो मुस्लिम निकलते हैं और ऐसा अपराध करते हैं, उसकी वजह से तमाम लोग पूरे मुस्लिम समाज पे हमला करने का प्रयास करते हैं। मुझे बुरा लगता है, मेरे भाई हैं वो अच्छे से रह रहे हैं, वो अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उनके लिए बुरा लगता है। तो उनके लिए आपको भी मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधे मिला के। कहा गया वो जमाना जब हम लोग आजादी के अंग्रेजों से साथ में लड़े थे, आज वो सोच नहीं है क्या? आप भारतवर्ष के लोग हैं, हम भारतवर्ष के लोग हैं, भारत के हिसाब से तो सोचिए, भारत के लिए सोचिए। वहां एक खड़े हो, कोई एक मुद्दा तो हो जिसमें हम और आप साथ में खड़े हो। हमेशा राजनीतिक बात होने लगती है, धर्म के हिसाब से बात करनी है। अगर कोई कार्य हुआ तो कम से कम खुल के बोलिए तो कि हाँ ये कर रहे हैं जो लोग, उनपे इसमें कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जी। अभी नामांतरण में मैं देख रहा था, गौरव भाई ने भी एक लिस्ट बताई, उसमें आप गौरव भाई तमाम नाबालिग लोग भी हैं मुस्लिम जो धर्मांतरण करा रहे थे जी। नाबालिग लोग धर्मांतरण क्यों कराएगा? उसके दिमाग में किसने ये डाला जी? कौन वो लोग हैं जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं? ये नाबालिग लोग आगे जाके भारत का भविष्य होंगे, देश का भविष्य होंगे, देश की संपत्ति है, देश का नुकसान हो रहा है, उसके लिए तो कम से कम सामने आइए। यह मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, आम आदमी प्रवक्ता सपा के नेता जो अभी बोल रहे थे कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के जमाने की है, साहब क्या 2017 के बाद ही समझ में आई? उसके पहले सपा थी, आपको तब नहीं मालूम था कि अंग्रेजों के जमाने का उसमें रूल चल रहा है? नहीं ठीक कर सकते थे आप? आज ही आपको समझ में आ रहा है क्योंकि इस मुद्दे पे आप बैठे हुए हैं। इस समय आज की सरकार नहीं है, इसलिए आप उनको ये बात बता रहे हैं? हम तो ये मुद्दा उठा भी नहीं, आपने कभी मांग की? मैंने बड़ी राजनीति संशोधन की मांग की? देखा है उत्तर प्रदेश सरकार कंटेंप्ट के दायरे में है सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के, और आरोपों की गोली तक चलवा दी थी, तब आपको कोई चीज नहीं समझ में आई? नहीं, संस्थाओं में सुधार की बात हो रही है तो आप राजनीतिक विषय बनाएंगे? संस्थाओं में अगर सुधार की बात हो रही है तो आप राजनीतिक विषय बनाएंगे? आपके समय में भी यही चीजें थी, आपने क्या कर लिया? कौन से नियम कानून लागू कर लिया? पुलिस आपके अधिकार में नहीं थी क्या? नहीं नहीं, मैं वही जो भी बात करिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के हिसाब से बात करिए और सोच समझ के बात करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार यूपी में चुनाव हुआ, पहली बार कोई संगठन के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, सरकार का मसला है सामाजिक के लिए जी, ठीक है। राजनीति करने के लिए सिर्फ आप यहाँ बैठते हैं? कभी देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए। सिर्फ राजनीति करने, सिर्फ सीट दिखाई पड़ती है, भूख दिखाई पड़ती है आपको सत्ता की, और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, और वोट मांगने के समय आप सब कंठी माला और सब करना शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, आप जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं बैठ करके, सनातन आप संस्था चला रहे हैं, आप सनातन के बच्चों को जागरूक करने में क्यों फेले? नहीं लगा रहा हूं, कौन से जागरूकता फैला रहे बताइए? कैसे बच्चे भ्रमित हो जा रहे हैं? कैसे बच्चे भ्रमित हो जा रहे हैं? सनातन शिक्षाओं की बात कर लीजिए, संस्कृत विद्यालय तक तो बंद पड़े हैं, संस्कृत विद्यालय तक तो बंद पड़े हैं, क्या बात करेंगे? लखनऊ हजरत गंज तक दो दो संस्कृत विद्यालय बंद पड़े हैं, बात करेंगे आप? बिल्कुल, सनातन के लिए भी तो बोलिए कि हाँ ये गलत हुआ है, सनातन के लिए ऐसा हो रहा है, नाम संस्थाओं की हो रही है, आप कोई संस्था मुस्लिम हो वो सभी के लिए लागू होती है। आप लोग का कार्य है ना, इससे पहले तो प्रदेश की जनता ने आपको जिताया था ना सर, तो अगर आपको कमियां लग रही उस समय दिखनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिखी? ठीक है ठीक है, आज आप कमियां बता रहे हैं, उस समय आपको कमियां क्यों नहीं दिखी? विकास मिश्रा जी, विकास मिश्रा जी, जो काम अगर समाजवादी पार्टी से छूट गए और अगर हम प्रदेश के सुधार के लिए सुझाव के रूप में उसको सामने एक बार अगर आप आए होते और आलोचना न समझते हुए स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के संस्था में सुधार की बात की है, आलोचना की बात नहीं की। छूटता तो एक बार में छूटता है ना जी? ठीक है ठीक है ठीक है, तीन बार चार बार आप बने हैं यहाँ पे, इमरान भाई सरकार आई है। इमरान भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही थी, आपने कहा कि आपने पूरा संवेदना आपने व्यक्त की है, पर चीज़ों पर थोड़ा सा विराम लगना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल विराम लगना जरूरी है, और जब तक जी कानून का राज नहीं होगा, कानून का राज नहीं है क्या, तब तक आप ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे? कानून का राज नहीं है क्या? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कानून का राज कहाँ है आप बताइए। जो थाने जी
कानून का मंदिर हैं। अच्छा, अगर वहीं पर बलात्कार हो रहा है तो कैसे कानून? सफर भाई आप बताइए जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर पुलिस इंस्पेक्टर जो है गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में होटल के अंदर हत्या कर देगा, अच्छा, तो आप उसको कानून का राज कहेंगे? उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? अरे फिर वही बात, कानून का राज अब उसको कहेंगे? अगर पुलिस इंस्पेक्टर हत्या कर रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर बलात्कार कर रहा है, अरे शर्म करिए शिकायत भाई, जंगल का भी कोई उसूल होता है, जंगल का भी कोई कानून होता है, उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं है, जंगल राज से बदतर हालात है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो गुंडे मुख्यमंत्री आवास में बैठ कर देश को चलाते थे आज वो जेल के अंदर है, क्या बोल रहे हैं? बाहर आने को डरते हैं, योगी जी का बुलडोजर घूम घूम जाता है, राजा हराम कमाई से बने हुए हैं, क्या बात करेंगे? जंगल 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 राज की परिभाषा, जंगल राज की परिभाषा आपको नहीं पता, इसका मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल आपने नहीं देखा, कांग्रेस का कार्यकाल आपने नहीं देखा, कांग्रेस का कार्यकाल आपने नहीं देखा, भागलपुर हरियाणा मेरा मुरादाबाद आपने नहीं देखा, इमरान भाई किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, इमरान भाई आपने भागलपुर हरियाणा मेरा मुरादाबाद नहीं देखा, जो कांग्रेस दौर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, अरे इमरान भाई, इमरान भाई 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी का कार्यकाल नहीं देखा, 150 दंगे बच्चा चोरी करने वाले लोग, वैश्य चलाने वाले लोग, ठीक है ठीक हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? थाने मुख्यमंत्री आवास पे चलते थे, थाने मुख्यमंत्री आवास पे चलते थे, आज थानों में कमिश्नर की व्यवस्था, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था समाज भारतीय जनता पार्टी ने की, पुलिस कमिश्नर की हमारे बारे में लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पुलिस पुलिस आज अपने मनमानी से काम कर रही है, और सारे मुजरिमों को उठा कर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हो गया हो गया हो गया इमरान भाई, समान भाई, बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी है, क्या बात करेंगे? विवेक भाई बोले क्या बात करेंगे? विवेक बोले क्या बोल रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की लड़ाइयां इस तरह चलती रहेंगी। मैं एक सुझाव दे रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार को आज कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जैसे इसके पहले गौरव भाई 2 मिनट, मैं 1 सेकंड बस लूंगा और अपने जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता उनसे एक सवाल पूछूंगा कि आप मुझे बताइए लखनऊ में दहिसर कहां है? लखनऊ में दहिसर कहां है? बस यही स्थिति उत्तर प्रदेश पुलिस की है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की बॉर्डर स्कीम हटा दीजिए आप, और आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप आंकड़ों के अनुसार नहीं, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप पाएंगे, सामाजिक संरचना के अनुसार पाएंगे, क्योंकि सर कानून व्यवस्था न सपा की समस्या है, न भाजपा की, यह हर सरकार की समस्या है। और एक सबसे बड़ा सुझाव मैं आज दे रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की कानून की आप बॉर्डर स्कीम को हटाइए, जो कि 500-600 किलोमीटर दूसरे जिलों के आरक्षियों को ला करके आपने पदस्थ किया है। कई बार भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान ना होने के कारण, आपराधिक क्षेत्रीय समीकरण का ज्ञान ना होने के कारण, भाषाओं का ज्ञान ना होने के कारण, वहां के राजनीतिक समीकरणों का ज्ञान ना होने के कारण कानून व्यवस्था को संचालित करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, और उसके कारण वो अवसाद में जा रहे हैं, परिवारों से दूर है, तनाव में है, और सबसे बड़ी बात है एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन के लगभग 70% उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी, पूरे फोर्स की बात कर रहा हूं, वो पूरी तरह से अवसादग्रस्त है, जिसके कारण वो अपनी कार्यक्षमता का सही उपयोग और सही नहीं कर पा रहे। कानून व्यवस्था ठीक है, पर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से मार दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, हत्याओं की वजह क्या है? नहीं नहीं, एक बात मैं, पुलिस वाले बोले थे उनको जाके मार, देखिए देखिए नहीं, पुलिस वालों की बात नहीं है, अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे, वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे संस्थागत हो, चाहे सामाजिक हो, ये आप इस विषय को आपको समझना पड़ेगा, ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। 719 लोग नामजद है, मैं फिर कह रहा हूँ सजा कितनों अपवाद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ सजा कितनों को हुई, मैं फिर कह रहा हूँ सजा कितनों को हुई, कानून का राज तभी स्थापित होगा। बहुत स्पष्ट दिलीप भैया ने समझाया, बहुत स्पष्ट दिलीप भैया ने समझाया कि प्रावधानित कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है, आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन के साथ उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आप 1861 का मॉडल पुलिस कानून हटा के अंग्रेजी पुलिस कानून का मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का जो कि स्वदेशी है उसको लागू कर दीजिए, ठीक है, आप देखिए ना अगर सुधार और बदलाव ना दिखेगा, और ये हर सरकारों के लिए लाभकारी है, वो चाहे आप आम आदमी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की, चाहे सपा की सरकार हो। ताहिर भाई कुछ बोले, ताहिर भाई कुछ बोलना चाहते, आपकी बात जरूरी रह गई थी, ताहिर भाई बोलिए, सपा भाई की बात जवाब दीजिए। देखिए अभी मिश्रा जी एक बात कह रहे थे जी, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले उस पे जो है आदमी को कंडेम करना चाहिए। मैं कंडेम ही नहीं करता हूं, मैं तो ये कहता हूं जी कि रियलिटी में जो रियर केस है
सही से अगर जांच होने के बाद अपराधी है इंसान अच्छा। और उसने इतना जघन्य अपराध किया है तो क्यों नहीं जिस तरीके से इस्लाम ने सजा दी गई है दे दीजिए आप सरेआम अपने आप से अपराध रुक जाएंगे। वो चाहे सुफियान हो वो चाहे वो आफ्ताब हो अच्छा। और चाहे सुरेंद्र कोहली हो वो चाहे ये आपके अभी जो दिल्ली में जो जिसने जो है सलमा लड़की को मारा है अच्छा। यहाँ पर फिर मैंने वही बात कही होता क्या है कि मिश्रा जी बात बहुत सनातनी कर रहे हैं अच्छा। और बार बार कह रहे हैं धर्म को कर रहे हैं धर्म का काम हो रहा है ये हो रहा है बदलाव कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं जी भाई अगर उनको दर्द है दर्द तो बयां करेंगे ना भाई अपना। नहीं 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 आपको मैं बताना जो चाह रहा हूँ कि आईपीसी और भारतीय संविधान ये जो है धर्म के नाम पर कोई फर्क नहीं करता अच्छा। और क्रिमिनल को एक नजर से देखता है अच्छा। लेकिन ये राजनीतिक दल है जो अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये सनातन जो चला रहे हैं भाईजान अच्छा। बार बार ये बातें कह रहे हैं आप हमारे भाई हैं उसके बाद आप जो है इल्जाम भी लगा रहे हैं सारे मुसलमानों पर। तो सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब आईपीसी भेदभाव नहीं करता भारत का संविधान भेदभाव नहीं करता अभी मामला ट्रायल होगा चार्जशीट दाखिल होगी धर्म को लेकर हत्या हुई की नहीं और आप सिर्फ और सिर्फ ताहिर भाई के बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि जो घटना होती है चाहे वो आतंकवादी घटना हो और चाहे ये बलात्कार की लखनऊ वाली घटना हो मुस्लिम को मुसलमान नहीं समझना चाहिए उसको मुस्लिम समझना चाहिए। देखिए जो धर्म परिवर्तन का खेल भारत के अंदर चल रहा है वो मुस्लिम समाज के द्वारा ही चल रहा है और पीएफआई जैसे संगठन उसको सपोर्ट कर रहे थे। एक बात जो घटना हुई है उसमें कानून में संशोधन ये जरूरी है। मैं एक बहुत अच्छा सुझाव अपने सरकार को आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। धर्म परिवर्तन करना होता क्या उस वक्त लड़के ने इष्ट का भूत सवार होता है तो कहते हम धर्म परिवर्तन ही शादी कर लेंगे। शादी करके जब वो घर आते हैं तो माँ बाप भाई बहन सब प्रताड़ित करते हैं कि इसको इसको इस्लाम कबूल करवाओ अन्यथा जो है ये तुम्हारी शादी कबूल नहीं होगी। उस प्रेशर में ये हत्याएं होती हैं क्योंकि उसके साथ लड़के के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। वो और ये काम सारा इस्लाम धर्म में होता है और ये सोची समझी साजिश के तहत होता है। इसलिए जो जो भी ये मामला हो जो लखनऊ के अंदर घटना हुई है उनके माँ बाप को भी मुलजिम बनाया जाए जो घर में भाई बहन है उनको भी मुलजिम बनाया। ठीक है ठीक है आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि जिस तरह से यहाँ घटनाएं हो रही हैं घटनाओं पर राजनीति हो रही है लव जिहाद के तहत मुहिम बताई जा रही है। घटना का एक अलग विचार है विचारधारा है और अगर विचारधारा है तो विचारधारा के तहत किसी की इतनी बुरी तरह हत्या भी अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न है। प्रश्न हमारे समाज पर भी है और प्रश्न उन लोगों पर भी है जो इस तरह की मुहिम या इस तरह की विचारधारा को फैला रहे हैं। धैर्य खत्म हो रहा है युवाओं के अंदर और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर मामला केवल और केवल धर्म विशेष का नहीं है यह मामला हत्या का है। हत्या किसी की भी हो नुकसान किसी का भी हो और सबसे बड़ी बात है दर्द किसी का भी हो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में जिम्मेदारी है और अगर दर्द है तो कोई बदलाव होना चाहिए कानून में भी समाज में भी और विचारधारा में भी तभी बेहतर विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।